भैया वो देना जरा ब्रेड का पैकेट। भैया ये वाले नहीं। अच्छा मैगी है बड़ी वाली। मैम सब मैगी नहीं है। कुछ है ही नहीं तो दुकान क्यों खोल के बैठे हो, बाहर में जाओ तुम। अरे अरे छोटी वाली ले जाइए ना। तू खा ले, नहीं खानी मुझे छोटी वाली, पता नहीं ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं भाई कहाँ कहाँ से। मैडम रुक जाइए, इतनी भी जल्दी आपको पहचाना इन भैया को? मैं नहीं जानती कौन है ये और आप मुझे क्यों रोक रहे हो। अच्छा आप इनको जानती नहीं हो, अब ये चोरी करते हुए पकड़े गए तो आपने कितनी सफाई से बोल दिया कि आप इन्हें जानते नहीं हो, और अगर ये चोरी हो जाती तो आधे आधे सब आटा हाल हो जाते। क्या बोल रहे हो आप, चोरी? अरे भैया कौन सी चोरी, मैं तो यहाँ में ब्राउन ब्रेड और मैगी लेने आई थी और दोनों ही चीज इनके पास में नहीं है। लेकिन ये तो मेरी कोल्ड ड्रिंक का पैकेट है, ये इन भाई साहब के पास क्या कर रहे हैं, ये तो यहाँ से लेके भी नहीं गए। हाँ भैया ये आपकी दुकान की कोल्ड ड्रिंक के पैकेट है, और वो देखो पीछे वो भी जो पड़ा हुआ है ना वो इसी चक्कर पड़ा हुआ है, क्योंकि खींचा पानी में वो वाला पैकेट तो गिर गया और ये वाला भैया ने खींच लिया। क्या चल रहा है, सब खींचा पानी, वो खींच लिया, ये खींच लिया। अरे भाई मेरे को क्यों रोक रखा भैया, मेरा क्या बैठ रहा है, मुझे तो जाने दो ना। कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अच्छा मान ना मान मैं तेरा मेहमान, एक मिनट रुको। क्या है यार? मैडम क्या ये, अभी जब तुम आई थी तो तुमने इस कुंडे को इस पैकेट में फंसा दिया था और इन भैया ने वो पैकेट पूरा खींच लिया, यही किया था ना तुमने? अबे ओए अभी ना मैंने तुझसे कर ली बहुत ज्यादा तमीज से बात, अब ना मैं तेरे को बदतमीजी दिखाती हूँ अपने। तुम जैसे लोगों ने मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, अकेली लड़की देख के ना लाइन मारने के लिए आ जाते हो, ऐसा वाटा दूंगी ना यही चादर की तरह बिछ जाएगा। अपना काम कर, चल निकल यहाँ से। मैडम सुनो अपना गुनाह खुद कबूल कर लो, वही बेटर रहेगा, क्योंकि इन भैया ने ना सब कुछ मुझे बता दिया है। अबे तो उनके कहने से क्या हो रहा है, मैं नहीं जानती उनको, चोरी कोई और कर रहा है, पकड़ किसी और को रहे हो। बेफालतू में नल्ला मल्ला है क्या, घर में कोई काम नहीं है क्या, अबे शादी कर ले, बीवी के संग में काम करवाइयो फिर घर में जाके। अच्छा ठीक है उनके कहने से कुछ नहीं होता ना, पर मैंने जब ये सब होते हुए देखा था तब मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली है पूरी। अरे यार ये शांतनु कहाँ रह गया अभी? अरे ये सब क्या कर रही है मैडम? अरे लड़का भी शामिल है इनके साथ, ये बन गई इनकी पूरी वीडियो। ये यहाँ पे दुकानदारों के यहाँ पे आके चोरियां कर रही है ना, इनको छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे ये लड़का तो जा रहा है, कॉपी पकड़ता हूँ, उससे तो बहुत कुछ हो जाएगा। कौन सी वीडियो? कौन सी वीडियो, एक मिनट, मैंने कुछ किया ही नहीं है। ये देखो भैया, अरे इसमें तो साफ साफ दिख रहा है ये लोग चोरी कर रहे हैं। अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, अब मेरी दुकान से चोरी करके लेके जा रहा है, और आए तो ऐसे थे जैसे कि कितने बड़े ग्राहक हो। अरे बड़ी बड़ी चीजें मांग रही थी आप, जो मेरी दुकान में नहीं है वो इसलिए मांग रही थी ताकि नहीं मिले आप दोनों चले जाओ। अरे भैया वो बात कुछ ऐसी है कि इसके घर में ना बर्थडे पार्टी है, तो उसने बोला था कि कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो फिर यहाँ पर ना कोल्ड ड्रिंक के पैकेट रखे हुए थे, तो हमने सोचा कि फ्री में गायब कर लेते हैं, और मुझे पता था कि इनकी दुकान पे क्या मिलता है और क्या नहीं, तो बस हम लोग यही कर रहे थे। तो मैडम यही कर रहे थे, मैंने क्या एनजीओ खोल रखा है जो मैं बांटता फिरूंगा? अरे मैं भी बेचने के लिए लेके आ रहा हूँ, मेरे भी चार पैसे जा रहे हैं, चार पैसे कमाने के लिए बैठा हूँ, और आप लोग ये चोरी करके जा रहे हैं ऐसे। सॉरी भैया हमें पता नहीं थी कि आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अरे मैडम शर्म आनी चाहिए आपको, आप इन छोटे छोटे दुकानदारों के यहाँ पे आके इतनी महंगी महंगी चीज चुरा चुरा के ले जा रहे हो, ये लोग तो दुकान चलाने से पहले ही घाटे में आ जाएंगे। भैया हमें ना माफ कर दो, गलती हो गई, हम ऐसे कभी ऐसा नहीं करेंगे। सॉरी भैया आप भी हमें माफ कर दो, वो बर्थडे पार्टी के चक्कर में हमें ये सब करना पड़ गया, क्योंकि हमारे दोस्त है ना वो बहुत ही मक्कार है, अगर हम उन्हें पार्टी नहीं देते ना तो फालतू में हमें बहुत सुनाते, इस वजह से हमें ये सब करना पड़ा। और भैया वैसे भी चोरी हुई तो है ही नहीं ना, बोतल तो वही रखी है जाती, बस हाँ इधर से अटकी इधर आ गई है। अच्छा मैडम चोरी नहीं हुई है ना, अब एक काम करता हूँ मैं भी तुम्हारे घर पे चलता हूँ, तुम्हारे घर वालों को ये वीडियो दिखाऊंगा, वो बताएंगे कि चोरी हुई है या नहीं हुई है। सॉरी भैया प्लीज आप घर तक मत जाओ, मम्मी पापा को ये सब पता चलेगा तो बहुत ज्यादा ही गड़बड़ हो जाएगी, और वो लोग तो हमारा घर से बाहर निकलना भी बंद कर देंगे। हम लोग माफी मांग तो रहे हैं, और आज के बाद हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले किसी के साथ भी। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम अपनी पार्टी के चक्कर में किसी और का नुकसान कर रहे हो, किसी गरीब का हक मार रहे हो। साहब जी अपने इन दोनों को बिल्कुल भी मत छोड़ना, आज तो आपने इनको पकड़ लिया, अगर आप सही समय पे इनको नहीं पकड़ पाते तो ये तो मेरी दुकान पे इस तरीके से चोरी करते रहते।
अपना इनको जेल लेके जाइए। अरे भैया मेरे को तो लग रहा है कि आपकी दुकान पे नहीं, ये आप जैसे बहुत सारे दुकानदारों के यहाँ पे ऐसे ही जाते होंगे और वहाँ पे जाके ये मैडम ये फंसा देती होंगे और ये वहाँ से खींच लेता होगा और ऐसे ही सारे दुकानदारों के यहाँ से ये लोग चोरी करते होंगे। अपना मैं इनको नहीं छोड़ने वाला, इनको पुलिस के हवाले करता हूँ, वही देखेगी कि इनका करना क्या है। चलिए यहाँ से। या मेरी बात तो सुनो भैया, माफ कर दो, गलती हो गई, अभी हमारी उतनी एज भी नहीं है, अगर आप लोगों ने हमें जेल में डलवा दिया ना तो हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा और हमारे घर वाले ना हमें कभी घर में नहीं घुसने देंगे, हमारे घर वालों की बहुत बदनामी होगी। भैया जाने दो ना, आज के बाद नहीं करेंगे हम कुछ ऐसा भी। ठीक है एक काम करो, अपने घर पे लेकर चलो मुझे, तुम्हारे घर वालों को ये वीडियो दिखाऊंगा और उनसे बोलूंगा कि लास्ट वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ, अगर कोई भी ऐसा केस मुझे सुनाई दे गया तो सबसे पहले तुम दोनों की वीडियो पुलिस स्टेशन मैं देके आऊंगा। चलो यहाँ से अपने घर पे और मुझे घर वालों से मिलवाओ अपने। चलो यहाँ से।